हाय, सब लोग आ गए? कैसे हो? सब ठीक ना? तो अभी जल्दी जल्दी कुर्सी लेके बैठ जाओ, थोड़ा पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न भी हो तो ले आओ जल्दी से, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है आज। ठीक है, शुरू करें। नमस्ते, आप सब लोगों को क्वारंटीन की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप सबका क्वारंटीन बहुत अच्छे से कट रहा होगा, एंड प्लीज बाहर मत निकलना अगर अच्छे से नहीं कट रहा है। सो क्योंकि पुलिस बहुत गंदा हालत कर रही है ऐसा मैंने सुना है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो सोशल मीडिया आज की वीडियो का मुद्दा, सोशल मीडिया तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, बहुत कुछ होता है हर दिन, सब कुछ नया नया होता है। उठो, फोन खोलो, सोशल मीडिया में नए पोस्ट मिल रहे हैं, नए इन्फॉर्मेशन मिलती है, नए दोस्त भी मिल जाते कभी। तो इसमें बुरा क्या है? बुरे यही चीज है कि ये एक ऐसा वायरस है जो कि आपके अंदर घुस के ये पूरी फीलिंग्स को आपको तबाह कर देता है, अंदर से तबाह कर देता है आपको, पूरी फीलिंग्स खत्म, कभी खत्म ना, आर ना पार, खत्म, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ठीक है, तो मैंने ये वायरस को अपनी जिंदगी से 3 महीने के लिए अलविदा कह दिया, एंड ट्रस्ट मी, इट हैज हेल्प मी अ लॉट। आई फील दैट इट इज द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड। लाइक आजकल आप 1000 शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, राइट? लॉल, रफल, लमाओ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म यूज तो सभी करते हैं, हंसता तो कोई नहीं है, है ना? तो बात यही है कि 3 महीने के लिए मैंने सारे सोशल मीडिया एप्स छोड़ दिए थे, एक्सेप्ट फॉर व्हाट्सएप एंड यूट्यूब फॉर ऑब्वियस रीजंस, व्हाट्सएप में एसेंशियल मैसेजेस एंड यूट्यूब फॉर सम अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट जो कि जरूरी है। सो इन 3 महीनों में मैं बहुत कुछ सीखा, आई हैव इवॉल्व्ड एज अ बेटर पर्सन, आई हैव सीन माई सेल्फ इन अ बेटर पोजिशन, एंड अंडरस्टूड दैट सोशल मीडिया इज फुल ऑफ नेगेटिविटी, इट सराउंड्स यू विद नेगेटिविटी, इट डिस्ट्रॉयज यू फ्रॉम द इनसाइड। कैसे? आप एक पोस्ट करते हो पिक्चर, ठीक है मान लो, लेकिन आपको उसमें लाइक्स नहीं आते, आप उसको लेके पूरा दिन रोना शुरू कर देते कि मेरे को लाइक्स नहीं मिले, मेरे कॉमेंट्स में मेरी गालियां भरी पड़ी हैं, ये हो रहा है, फलाना ढिमकाना। इट मेक्स यू ओवर थिंक, इट मेक्स यू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, विच इज द वर्स्ट पार्ट। आप अपनी कैपेबिलिटी पे काम नहीं कर सकते हो, पूरी कैपेबिलिटी पे काम नहीं कर सकते हो, इतना दिमाग में भूसा भर जाता है। एंड व्हेन आई लेफ्ट ऑल दिस फॉर 3 months, आई डिड हैव सम विड्रॉल सिम्टम्स इन द फर्स्ट 2 weeks, बट देन मतलब मैं एक बार लॉग इन कर दिया था क्रोम से, क्योंकि मैं मतलब संभाल नहीं सक रहा था खुद को। तो एक बार जब लॉग इन किया, आई अंडरस्टूड, मेरे से मतलब स्क्रीन से नेगेटिविटी आके मेरे मुंह पे मार रही थी, बोल रही थी हाँ मेरे को अंदर ले ले ले, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं, वैसी हालत है। ऊपर से बोर्ड्स का प्रेशर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ ज्यादा ही है, या तो घर पे बैठो या तो पढ़ लिख के कुछ अच्छे बन जाओ, है ना? तो हैड टू डू दैट, फोर्सिबली कहो या विल पावर से कहो, दोनों मिला के ही करना पड़ा था। तो आज मैं आप लोग से एक दरख्वास्त करने आया हूं कि ये कि सोशल मीडिया को ना हर महीने 1 हफ्ते के लिए, चलो 1 हफ्ता नहीं, 2-3 दिन के लिए अपने आप से दूर कर लो। ठीक है, ये मैं ऐसे ऐसे तैसे नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपसाइड ज्यादा है, डाउनसाइड से ज्यादा अपसाइड है। ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं यार छोड़ने से मैं तो मतलब नहीं जिंदगी खत्म हो जाएगी, नहीं जिंदगी खत्म नहीं होगी, सब कुछ ना वैसे ही चलेगा, बस थोड़ा सा खाली खाली जरूर लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर यू विल ट्राई, यू विल हैव टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, यू विल इवॉल्व एज अ बेटर पर्सन, यू विल स्टॉप ओवर थिंकिंग, ओवर कॉन्टेम्पलेटिंग एंड बींग डिप्रेस्ड, आपका मूड स्विंग्स नहीं होंगे, प्लस आप टाइम सेव करोगे, उसी टाइम में आप प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज कर सकोगे। एंड जो मैंने टाइम सेव किया था, आई रिमेंबर लाइक मैंने 2.5 दिन के करीब करीब टाइम सेव किया है। कैसे? क्योंकि मैं हर दिन 2 घंटे इंस्टाग्राम में स्पेंड करता था बिफोर अनइंस्टॉलिंग, एंड 1 महीने के हिसाब से 2.5 दिन,
एक महीने में वो भी बस, ठीक है। अगर आप दो तीन दिन भी कर रहे हो देन भी, देन ऑल्सो यू आर स्पेंड, यू आर सेविंग एटलीस्ट 6 hours विच इन विच आप कुछ भी कर सकते हो। वो 6 घंटे आप अपने आप को दे सकते हो, अपनी फैमिली को दे सकते हो, कुछ भी हो सकता है उससे। बट या एक ही डाउन साइड में कहूंगा कि इंफॉर्मेशन जो जो या ट्रेंड्स वेंड्स जो चल रहे हैं वो आप मिस करोगे। हाँ, अगर कुछ मेजर न्यूज है वो आपको थोड़ी देर बाद मिलेगी जरूर, मतलब मिलेगी लेकिन थोड़ी देर बाद मिलेगी। अगर नहीं भी मिलती है तो यार क्या ही फर्क पड़ रहा है, आप अपने आप को तो इंप्रूव कर सक रहे हो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड ऑल्सो अभी जो मैं आपको आपके लिए कॉन्टेंट बना रहा हूं वो मैंने कब, मैंने अभी अभी प्लान नहीं किया है, ये सब पहले से प्लान्ड है। ये 3 महीने में ही मैंने प्लान किया था कि ये सब मैं अपने बोर्ड्स के खत्म होने के बाद करूंगा। अभी तो भले ही 2 एग्जाम बाकी है, पोस्टपोन हो चुके हैं, बट क्या ही कर सकते हैं, वो बाद में पढ़ना होगा, वो देखा जाएगा। बट द थिंग्स नॉट दैट, आज मैं आपसे यही दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो थ्रू दिस सोशल मीडिया डिटॉक्स। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, एंड अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, एंड ऑल्सो इस मैसेज को प्लीज फैलाओ, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑन दैट नोट गाइस, मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, चीयर्स एंड बाय।